यूं तो दलितों के प्रति कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है, और अगर कोई भूल भी जाए तो कांग्रेसी नेता बार बार ये याद दिलवा देते हैं कि वे कितने बड़े दलित विरोधी हैं। आप जरा इस पोस्ट को देखिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का मानना है कि संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू हैं। पित्रोदा के अनुसार बाबा साहब को भारतीय संविधान का जनक कहना एक गलती है। सैम पित्रोदा ऐसा कह सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस की सोच भी यही रही है। दलित समाज आज भी नहीं भूला है कि कैसे कांग्रेस ने बाबा साहब को कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। कांग्रेस को एक ही परिवार के तीन लोग तो भारत रत्न के योग्य लगे, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। दलित समाज के बाबू जगजीवन राम का बढ़ता कद देख इंदिरा गांधी को उनसे भी दिक्कत होने लगी थी। कांग्रेस को दिक्कत तो दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने से भी हुई थी, और देश के पहले दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हीरा लाल सामरिया से भी है। कांग्रेस ने दलितों को हमेशा से हाशिए पर रखा, उन्हें एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उन्हें विकास और समृद्धि से दूर रखा। कांग्रेस ने एक बार नहीं हर बार ये साबित किया है कि वह दलित विरोधी थी, और उसकी नीति भी दलित विरोधी ही है।